नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी .com और बढ़ते हैं इस वक्त की भी बड़ी खबर। इस्लामाबाद में लगी धारा 144, इमरान खान ने दिया पीटीआई संसद को एनए में मौजूद रहने का हुक्म। सुब्रमण्यम स्वामी बोले, गुलाम कश्मीर में मंदिर भी भारत सरकार अपने नियंत्रण में लेगी। मार्च महीने में गर्मी ने तोड़ा 122 साल का रिकॉर्ड। वुहान में भी खराब हो सकती है शंघाई जैसी स्थिति, लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों ने बढ़ाई चिंता। वाराणसी में नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा ने पत्नी के साथ काल भैरव मंदिर के किए दर्शन। यूपी में वाराणसी पहुंचे नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा, एयरपोर्ट पर सीएम योगी ने किया था स्वागत। श्रीलंका ने 12 भारतीय मछुआरों को किया गिरफ्तार, समुद्री सीमा लांघने का आरोप। भीषण गर्मी के कारण कई जिलों में स्कूल का समय बदला, अब सिर्फ मॉर्निंग में चलेंगी कक्षाएं। अमेरिका यूक्रेन को 30 करोड़ डॉलर की अतिरिक्त सैन्य सहायता भेजेगा। 6 अप्रैल से शुरू होंगे कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन। पेट्रोल डीजल के दाम फिर बढ़े, डीजल की दरें 93.87 रुपए प्रति लीटर। मस्जिदों से नहीं हटाए गए लाउड स्पीकर तो बजने लगेगी हनुमान चालीसा, राज ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार को दी धमकी। पंजाब में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 10 जिलों में उपायुक्त बदले गए। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन में मिली कमियां, WHO ने आपूर्ति पर लगाई रोक। मार्च महीने में गर्मी ने तोड़ा 122 साल का रिकॉर्ड, 3 अप्रैल को मामूली राहत मिलने की संभावना। कोरोना मामलों में फिर आई गिरावट, 24 घंटे में 1100 के करीब पहुंचे नए केसों की संख्या। देश में 2 साल बाद रमजान पर फिर लौटी रौनक, दिल्ली के जामा मस्जिद में लोगों ने अदा की नमाज। रमजान की शुरुआत पर पीएम नरेंद्र मोदी ने दी बधाई, कहा ये महीना समाज में शांति सद्भाव और करुणा की भावना को बढ़ाए। इंटरनेट बंद, कर्फ्यू जारी, 50 DSP और इंस्पेक्टर तैनात, पत्थरबाजी के बाद सांप्रदायिक हिंसा भड़की राजस्थान में। बाबा के बुलडोजर की दहशत, रामपुर में अधेड़। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ऐसी ही ताजा तमाम बड़ी अपडेट्स हमेशा वाकिफ रहने के लिए जुड़े रहिए पंजाब केसरी के साथ।